डोरबेल सुनाई नहीं दे रही है क्या? नहीं, देखो भी सुनाई नहीं दे रहा क्या? गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन डैड। देखिए ना, कब से बैठ के फालतू का टाइम पास कर रहा है। अब अपने नोट अंदर जाके लिखिए प्लीज। ओके। डैड ये क्या है? ये आईफोन है बेटा। वाह डैड, आईफोन! थैंक्स डैड। ये आपके लिए नहीं है, आपके सिस्टर के लिए। पर उसके लिए तो मैं लेने वाला था डैड। अभी पहले कमाने को तो सीख जा, उसके बाद में उसके लिए ले लेना। ओके चलो। मॉम मॉम, डैड की कुछ सिस्टर भी है क्या? अरे आज अचानक से ये सवाल कहाँ से आ गया? बस ऐसे ही। बताओ ना मॉम। हाँ है ना। नाम क्या है उनका? नाम तुम्हारी बहन का जो है सुमन। हाँ सुमन। लेकिन डैड ने कभी बताया नहीं उनके बारे में। डैड थोड़े से नाराज है। डैड और नाराज क्यों? ऐसा क्या हुआ था? कॉलेज के दिनों में सुमन को किसी लड़के से प्यार हो गया था, फिर उसने बिना बताए ही शादी कर दी। नाराज तो होंगे ही ना, और तब से वो उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं करते हैं। क्या डैड अब भी नाराज है उनसे? नहीं नाराज तो नहीं है, पर सुमन के परिवार वाले काफी अमीर लोग हैं, इसलिए वो डैड उनसे बात नहीं कर पाते हैं। उनको हिम्मत नहीं हो रही है उनसे बात करने के लिए। पर जब डैड इतना प्यार करते हैं अपनी बहन से तो उन्हें बात करनी चाहिए ना। तुम क्यों नहीं बोलते अपने डैड से? कर लो बात। कभी सुमन बुआ ने ट्राई नहीं किया क्या बात करने की? किया, बहुत किया। हर साल रक्षाबंधन में वो राखी और लेटर भेजती थी। 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, अचानक एक दिन बंद हो गया, इसलिए डैड हर साल रक्षाबंधन पे उसे मिस करते हैं। या शायद ऐसा भी हो सकता है हमारी परवरिश में वो इतने उलझ गए, इतने बिजी हो गए कि सुमन की तरफ ध्यान देने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिला, इसलिए उसे कभी बातचीत भी नहीं हो पाई होगी। सुमन बुआ अब कहाँ रहती? सुमन मुंबई में रहती है। एड्रेस होंगे उसके लेटर पे। बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है वो, देख लो। क्या सच में डैड अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं? डैड हर साल रक्षाबंधन पे उसे मिस करते हैं। डैड मैं मुंबई जा रहा हूँ सुमन बुआ को लेके आने, और इस बार आप रक्षाबंधन अपनी बहन के साथ ही मनाओगे। और आप मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्द ही बुआ को घर लेके आऊँगा। यश बोल रहा हूँ भाई। हाँ भाई बोल, कैसे याद किया? अरे यार एक काम से मुंबई आया था यार, तेरी मदद चाहिए थी।
आज तो मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ यार, शाम को मिलूँ तुझसे? अच्छा ठीक है, फिर तू बिजी है तो शाम को मिलते हैं। हाँ ओके चल ठीक है, चल बाय। सुमन बुआ बुआ, मैं यश आपके श्रीकांत का बेटा। मेरे भाई का बेटा, श्रीकांत का बेटा? हाँ बुआ। मेरा भाई आया है, मुझे लेने आया है। नहीं बुआ, मैं आया हूँ आपको लेने। श्रीकांत नहीं आया? नहीं, मुझे डैड ने ही भेजा था आपको लेके आने के लिए। मुझे श्रीकांत ने बुलाया है? श्रीकांत ने? हाँ हाँ बुआ, डैड ने बुलाया। डैड ने कहा कि इस साल के रक्षाबंधन ना मैं अपनी सुमन के साथ ही मनाऊंगा, और मुझे भेज दिया आपको लेके आने के लिए, तो मैं आ गया। मैं तैयार होके आती हूँ, तो बैठ मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं बुआ, अब जो भी खाएंगे पियेंगे सीधा डैड के साथ। आप एक काम कीजिए, जल्दी तैयार हो जाइए, हमें जाना भी तो है। ठीक है, मैं जल्दी तैयार होती हूँ। श्रीकांत मेरा इंतजार कर रहा है ना? मुझे पता, मेरा भाई मुझे लेकर आएगा। कोई भाई अपनी बहन से बहुत दिनों तक नाराज नहीं रहता। मैंने ना 20 साल से राखी जमा करके रखी है श्रीकांत के लिए, वो बहुत खुश होगा ना? हाँ, अब अपनी सारी राखियाँ ले लीजिए। चलो बुआ, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। बुआ, चिल्ली टैक्सी आ गई। बुआ,
बुआ बुआ